ध्यान दीजिए, इसके ऊपर मेरी सारी खोज है कि इंसान, हैवान, शैतान, जमीन और आसमान और भगवान, सबको मैंने सेंटर में ले आया हूँ। एक नौजवान खड़ा हो जाए, आप चुप रहिए, नहीं ये मेरा काम है ना, मेरे काम में दखल मत दीजिए। अब हुआ क्या है, अंधा बच्चा पैदा हो गया, अंध विद्यालय खोले जा रहे, बहरा बहरों का अस्पताल, पागल पागल खाने, हार्ट ट्रबल हार्ट ट्रबल, सर्जरी बाईपास कर रहे हैं, जो उठता है सुबह उठ के मूंछ काट देता है, ये मर्दी का पैदा हुआ है, देखो देखो, और आपने गुत्ते काट दिए हैं, माँ दी गुत नहीं, बाप दी मुछ नहीं, तो कुछ नहीं, सब सत्यानाश हो गया। आओ, आवाज ना आए, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी, ताकि मैं आपको अपना टेप रिकॉर्ड आपके दिमाग में फिट कर दूं। एक शिखंडी ने सारा महाभारत हरा दिया था, अब मैं किस किस को यहां से निकालूं इस देश में से। सुबह उठते पहले ही मूंछ मूंड के रख देते हैं, देख लो, कोई मर्द नहीं रहा इस देश के अंदर। ये भारत का देश था, भारतवर्ष इसका नाम था। एक वीर बहादुर उठता था, एक लंका को फूंक के आ जाता था, उसकी मूंछ भी थी और पूंछ भी थी। तुम्हारे दोनों खत्म हो गई है, ना मूंछ रही ना पूंछ रही, गाड़ी का नंबर ही नहीं है, हमें शर्म आ रही है, हम किससे बात कर रहे हैं, और हर वक्त हर चौराहे पे आपका चलान हो रहा है। बिजली बंद होती है तो डैडी की भी मूंछ नहीं है, मम्मी की भी मूंछ नहीं है, कर दिया सत्यानाश आपने अपने बच्चों का, बच्चों के साथ धोखा, देश के साथ धोखा। बहनें राखी लेके घूम रही हैं, भाई साल भर के बाद तो भाई को राखी बांधे, जब भाई देखा इसकी भी मूंछ नहीं, मम्मी भाभी की भी मूंछ नहीं, भाई की भी मूंछ नहीं, सब खिचड़ बना दिया तुम लोगों ने। याद रखना, कभी जिंदगी में ऐसी गलती ना करना। जंगल की शोभा झाड़ी से, माता की शोभा साड़ी से, रोगी की शोभा नाड़ी से, मर्द मूंछ और दाढ़ी से। आओ फिर से नया भारत कैसे बनाएं, वो चाबियां मैं आपको दूंगा। एक मिनट के अंदर आपको नींद आनी चाहिए और दो मिनट के अंदर आपको शौच आना चाहिए। मल शरीर को रोक के बैठे, मार मनी माइंड को रोक के बैठे। बीए पढ़ गया बेवकूफ, एफए फूल, एमए मैड, बीए बेवकूफ, एफए फूल, एमए मैड, हायर सेकेंडरी हायर स्टूपिड, बी काम बेकाम, दस पढ़ गया दस नंबर का पढ़ गया, केमिकल कामकल मेडिकल मेडिकल। डाकू, सुनो, डाकू, डॉक्टर, डेवल, ड्रग, डिजीज, डिजायर से डिवोर्स कैसे लोगे? और साइन बोर्ड लगा पड़ा है, डॉक्टर मैड, इंग्लैंड रिटर्न मैड। उसके पास जाओगे पेट काटेगा, पॉकेट काटेगा, फिर इंजेक्शन मार मार के अस्पताल हंसते हुए पताल लोक में डाल देगा, फिर आपसे लिखा लेगा कि क्योंकि मैंने तो सिखाना सीखे तो नाव का काटे तो काहू का। आपके साथ तजर्बे हो रहे हैं, नकली डॉक्टर नकली दवाइयां आपको खिलाई जा रही हैं। एक जड़ी आपको बताऊंगा, कभी जिंदगी में आप बीमार नहीं होंगे। तुलसी ये तन खेत है, तुलसी अपने आप को कह रहा है, तुलसी ये तन खेत है, मन बच कर किसान। तीन किसान छः फुट की खेती में, पाप पुण्य दो बीज हैं बोवे सोई सुजान। हाँ, एक एक सेंटेंस के अंदर महात्माओं ने पूरा संसार भर दिया है, लेकिन हम बेवकूफ़ हैं क्योंकि अंग्रेजी पढ़ गए। हाय हाय हो रही है, कोई मर गया घर के अंदर, हाय हाय, डैडी, डैड मीन मुर्दा, डैडी जो मर चुका है। पहले तो बाप को माँ, क्यों बाप ने अपनी मूँछ उछ काट दी है, अपना सत्यानाश तो खुद ही कर लिया। फिर हाय मामी,
माँ को मामी बना के रख दिया, मामे की घरवाली, बहन भाई की शादी हो रही है। मामी कहती है ना मम्मी ना कहो, मम्मी कहो। मैंने इजिप्ट में देखा, 40 कंट्री में पैदल घूम के आया हूँ, 100-100 किलोमीटर में अभी भी दौड़ता हूँ, और आप बैठे उठने से रक्षा मंत्री हेलो आओ मैं हेल्प करो। अरे अपने 11 नंबर की गाड़ी को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, आपकी 11 नंबर की गाड़ी खराब हो चुकी है। कोशिश करो, द बेस्ट पिल योर गुड विल, ध्यान दो, द बेस्ट पिल योर गुड विल, हु हैज ए विल ही हैज ए वे। अब हम किस तरीके से सोना है और क्या एक चाबी है कितनी सुंदर निकली है, जिससे आपको अभी रात को सोते समय आप करेंगे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। आप नीचे को आ गए, आप ऊपर ऊपर खड़े हो जाओ ना, डरो नहीं। और ऊपर खड़ो, ये लंबा आदमी भी, लंबी बहू का भी बड़ा बड़ा नाम है, सीढ़ी की जरूरत ही नहीं है, देख लो अच्छा है। अब कल से मूंछ रखना, चलो जी जरा शांति का दान दीजिए। अब आप ध्यान दो, जैसे आप मीठा खाते जाओगे ना तो मीठा आपके इन जोड़ों में चला जाएगा, जोड़ों के दर रूमेटिज्म ईशिया पेन 5000 बीमारियां डॉक्टर और वैद्य और हकीमों ने नाम लिख दिए। लाओ जी दूसरा कैलेंडर ले आओ, छोड़िए इसको, छोड़ दो, रख दो, यहाँ रखो कैलेंडर सारे सारे ले आओ। नेताजी बनना चाहते हैं बगैर मुंह के, सत्यानाश हो गया। सारे अस्पताल बंद करा दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। लाला खोलो खोलो, इसी को खोलो, पकड़ो ये, बहुत बढ़िया, ये आपका कान है ना, अपने अपने कान पकड़ो और मालिश करो, आवाज ना आए। इधर देखो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, कानों की मालिश कैसे करनी है, बच्चों की करो, माँ बाप की घर जाके करो, कभी जिंदगी में बीमार नहीं होंगे। स्वामी जी के आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि 43 साल पुराना मैं स्वामी जी का सेवक हूँ, ठीक है, मैं कोई डेमोस्ट्रेटर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, ठीक है जी। मैं रिटायर्ड एलोपैथिक डॉक्टर बी आर ढिंगड़ा, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब। पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ, लाओ जी बस, लो जी अब इसके हाथ पांव बराबर हो गए ना, घुटने टेढ़े हो गए, और ये आपका रीढ़ का हड्डी जो है ध्यान दो। अब देखिए जानवर जो है क्यों बचा हुआ है, क्योंकि जानवर का सिर अलग पड़ा है और हमारा सिर सीधा हो गया, सारी हीट ऊपर जा रही है। आप अब बोलेंगे स्वामी गुरु देवमूर्ति जी, स्वामी देवमूर्ति जी को इतना अच्छा खुल खेसते आज इसी जगह पे मिले, मेरे गुरु गदगद हो गया भाई। अब आप ध्यान दीजिए, असली पॉइंट तो अब मैं आ रहा हूँ, जब आपके दांत ही पेट में चले जाएंगे, इतना हंसेंगे कि आपके नकली दांत सब अंदर। शांत हो जाए, एक अंग्रेजी का शब्द है टेंशन, उसका मतलब बता दे कोई भी। दस बच्चे। अब बताइए कितने बच्चे हैं तुम्हारे? तो जब आपके 10 बच्चे होंगे तभी टेंशन होनी चाहिए ना, जब टेंशन 10 बच्चों का बाप होगा तब तो उसको टेंशन होती है, भाई मैं क्या करूं, अभी तो 2 तक ही बस का अड्डा आ गया,
आगे फैक्ट्री बंद हो गई है और मूछ कट गई है, देखो सत्यानाश हो गया है, ये घरवाली की सौतन बने फिर रहा है, और बच्चों के साथ धोखा, अपने साथ धोखा, देश के साथ धोखा। जब यमराज के पास पहुंचेगा वो फाइलें ढूंढेगा कि ये लखनऊआ कहाँ से आ गया है बगैर मूछ का मर्द। तो आओ चलिए, अब मैं आपको सोने का आसन बता देता हूँ, पेट के बल सो जाओ, ध्यान दो, इसको पढ़ रहे लो जी, ध्यान दीजिए अब आप, थोड़ी यहाँ रखो। तो सब जानवर पेट के बल सोते हैं ना, बोलो जी। अब ये भी महाजानवर है मारो 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 मारो, बारी 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 बारी, दूसरा पाँव भी, हाँ जोर से। अब देखिए, सास है ना किसी की घर में, है ना सास, उसका नाम सास क्यों रखा है, वो बहू का सांस बंद कर देती है, पहले तो आरती लेके आती है कि तू एक दफा मेरे दरवाजे के अंदर आ जाएगी फिर मैं तेरी दुर्गति करूँ, एक दफा तो आरती उतार लेती है, जब अंदर आ गई तू की ले आई है पेकियों, हैं भूखे नंगे घर दी आ गई, कुछ ले के नहीं आई, भाई खानदान तेरा बनाने आई है, पोता होगा तो तेरा होगा, खानदान तेरा बनेगा, माँ बाप भाई बहन सब गांव को छोड़ के आई है, और उसको तुम पाँव धोओ, बहू के पाँव धोओ। अब तुम ऐसे करना, घर जाना और आप सास को उल्टा लिटा देना और दे पिटाई करना, अपना सारा गुस्सा निकाल लेना और सास की सेवा भी हो जाएगी, उसका दर्दें वगैरह खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो टांगे, वो इतनी मोटी सास हो गई है तो एड़ी तो पहुंचती नहीं ना, तो इसलिए तुम पिटाई करके उसको ठीक कर देना, सास की सेवा भी हो गई और बड़ी सास आशीर्वाद देगी। अब आपको दोनों पांव एक साथ मारो, ये एक्सरसाइज है, हथौड़ा सिंह टेढ़ा सिंह को मारता हूँ सिद्धा सिंह हो जाता है, जो भी करेगा 70 साल के बाद आपका कद छोटा होना शुरू हो जाता है, ये बूढ़ों का कायाकल्प करने वाला आसन है, बच्चों को कराओगे बच्चे 7 फुट तक कद बढ़ जाएगा, और हर एक के लिए है। अब एक चाबी और बता देता हूँ, पीठ के बल लेटो भाई, ऐसे लेट जाना और बैठ जाना, एक लाल किताब नहीं नजर आ रही है, ये लाल किताब पीछे कहाँ है, ये लाल है कहाँ है, उसका कवर कहाँ है, तो सिर दाएं घुटना बाएं करते जाओ, हाँ सिर भी ससुराल, अरे भैया मूछ रख तब तो ससुराल पहुंच, लो भाई ये चाबी, दाएं घुमाओगे ताला खुल जाएगा, अंदर रोशनी आनी शुरू हो जाएगी, सिर दाएं घुटना बाएं, ध्यान दो, हेड राइट नीज लेफ्ट, मूछ रखो, बहू लेके आओ, बहू बन के ना जाना, डबल घाटा ना कर देना देश को, छोरियां तो दहेज में देनी है, इनको भी देना पड़ेगा। इस आसन को आप ध्यान से देख लेंगे स्वामी जी, ये कल इसका दूसरा स्टेप लेंगे, ये 7 टाइम्स हैं, 7 काइंड्स हैं और 7 इसके, इधर देखिए अब आप सुनो, ये इधर गया ना, ये आप कपड़ा है ऐसे ही तो निचोड़ते हो, दैट इज ए ट्विस्ट फॉर द पीस, जब सिर दाएं घुटना बाएं करते ही
आपकी रीढ़ की हड्डी की 24 गुटके खुल जाएंगे, बच्चों के कद बढ़ जाएंगे। तो एक मिनट ये कर लोगे ना, और एक मिनट पेट को अंदर बाहर करना, पेट को अंदर बाहर करिए आप लोग भी। पेट ही पाकिस्तान है जो लेता है, अपना एरिया बढ़ाया जा रहा है। अंदर बाहर, और कोई अस्पताल नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई भिखारी नहीं रहेगा, कोई बेकार नहीं रहेगा। तीनों चीज़ें 20 लीटर पानी से साफ कर दूंगा, और आपको इतना आनंद, इतनी खुशी रहेगी 24 घंटा, बच्चों की तरह मुस्कराते रहोगे। ज़रा ज़ोर से हंसो ज़रा, और जोर से, और बस, ज्यादा नहीं, दांत ना गिर जाए आपके। अब मुंह बंद करके हंसो, घोड़ा कैसे हंसता है। बस बिल्ली कैसे म्यों करती है वो करो, जोर से। बस, चलो अब कुत्ता कैसे हंसता है, कुत्ता से बोली, चलो बस। सुनिए, सीधे बैठ जाइए आप, फिर आप टेढ़े हो गए। क्योंकि ये एडवर्स टॉक है, एडवर्स अंडरस्टैंडिंग है, और उसको ठीक तरह से स्वामी जी जो है डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं। हंसेंगे ही नहीं कोई भी, ध्यान से समझें, सुने। तो इसलिए हम अपनी हिस्ट्री को अपने बच्चों को सुनाएं। रात को सोते समय जब मैं छोटा सा था तो पिताजी कहते, देव जी, पिताजी भीमसेन ने हाथियों को ऊपर फेंक दिया, अब रात का टाइम है। तो मैं कहूँ, पिताजी हाथी तो नज़र ही नहीं आते। कहते, वो बहुत ऊंचे जा रहे हैं और ऊपर ही घूम रहे हैं। तो अंदर शक्ति पैदा हो गई कि वो कितना वीर बहादुर होगा जो भीमसेन ने हाथियों को ऊपर फेंक दिया। तो बच्चों का नाम ये टीटू पप्पू कुत्तों बिल्लों वाला नाम न रख लिया। ये चीज़ें समझने वाली हैं, जो कानों में उनके आवाज़ दोगे वो उनके टेप होती है। हरी सिंह नलवा। अब मैं आपको दो तीन बातें और बता देता हूँ कि कीर्तन में क्या होता है। अब किसी से पूछना सत श्री अकाल क्या होता है, किसी को पता नहीं है। अब ये दोनों हाथों से कीर्तन करना है, ये दोनों हाथों के अंदर आपके सारे आर्गन हैं। कीर्तन क्यों किया जाता है, जो फैमिली जोर से करिए, हरी ओम, पहले मंत्र पढ़ लो ना, हरी ओम मेरा जपे रोम रोम, ये मंत्र दिया हुआ है। तो इस ताली को मारेंगे तो आपके आर्गन सारे चेतन हो जाएंगे, उनके अंदर सारा जो भी खराबी है वो ठीक हो जाएगी। हरी ओम मेरा जपे रोम रोम, हरी ओम मेरा जपे रोम रोम, हरी ओम मेरा जपे रोम, हरी ओम मेरा जपे रोम, हरी ओम मेरा जपे रोम। बस जब मैंने यूरोप के अंदर रेस बढ़ाते रहेंगे तालियों की रेस, ये कीर्तन समझाया तो वहाँ के लोग 8-8 घंटे कीर्तन करें। तो पोप को रिपोर्ट पहुंची कि एक बाबा आया, एक नई बीमारी लाया है। तो 20 प्रीस आ गए मेरे पास, कहते हैं ये कौन सी बीमारी है। मैंने कहा, भाई बीमारी तो कोई है नहीं दुनिया में। कहते, ये हरिओम क्या है। मैंने कहा, हरी अंग्रेजी का शब्द है,
मैं इनको कहता हूँ हरी होम, तो वो हरी होम हरी होम हरी होम, मेरा जब पे रोम रोम, तुम घर जाओ रिलैक्स हो जाओ और रोम को मत भूलना पोप को। तो कहते हैं ये तो हमारा प्रचार कर रहा है। तो मुझे वाटिकान में बुलाया, तो जी आप यहाँ भी ट्रेनिंग दीजिए। मैंने कहा लो जी, अब सवाल तो ये है कि जब मैंने कहा कि भाई सिर दाएं घुटना बाएं, करा दिया ना आपको एक्सरसाइज, तो मैंने उनको बताया कि देखो जब जीसस को फांसी पे लटकाया गया है ये दायां पांव बाएं के ऊपर आया ना उसके, और वो अपने आप बाएं तरफ चला गया दोनों पांव, और सिर दाएं तरफ हो गया। मैं कहा तुम्हारा जीसस जब जा रहा था ना दुनिया से, उसको क्रूसीफाई किया गया, तो ये एक्सरसाइज बता दी है रीढ़ की हड्डी की। आप तो बड़े खुश हो गए, बड़े ही खुश हो गए कि भाई ये तो बड़ी अच्छी है कि सिर इधर है पांव इधर है, सिर दाएं और घुटना बाएं, सिर दाएं करो पांव बाएं करो, तो आपकी रीढ़ की हड्डी घूमेंगी। जब रीढ़ की हड्डी घूमेंगी अपने आप तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा, दसवां द्वार खुलेगा, ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना क्लियर हो जाएंगे, तो आपका सारा कल्याण हो जाएगा, देश भी उठ बैठेगा और हमारे देश की संस्कृति फिर जाग उठेगी। ओम शांति शांति शांति।